एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, तो शब्दों में लिखता हूँ, आई डू रैप। तो मैं एक कविता लिखी, तो कविता इस तरह से है मेरे फौजी भाइयों के नाम, कि मेरा देश बहुत प्यारा, मेरा देश बहुत न्यारा, मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरी शान, मैं भारत का हूँ फौजी, मैं दिल से हूँ मनमोजी, मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम सब चैन से यूं सो सको, मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम अपना ना कोई खो सको, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि धरती मेरी माँ है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि ये धरती मेरा मान है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ चाहे देनी पड़े मुझे जान है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ, हम फौजी लोग मरते नहीं शहीद होते हैं और ये मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। एंड इसके बाद काफी लोग आजकल अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, सो चार बातें उन लोगों के लिए भी, कि चार बातें उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे कर रहे फाइन है, चार बातें उन लोगों के लिए जो हैविंग टकीला विद लाइम है, चार बातें उन लोगों के लिए जो हैविंग अ सिप ऑफ वाइन है, और चार बातें उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम इज नॉट माइन है। बाय द वे पूरे देश की प्रॉब्लम है, हम सबकी प्रॉब्लम है। एंड तो फौजी कहते हैं कि आज आप लोग चाहे मेरे गम में शामिल ना हुए, मैं भी नहीं चाहूंगा मेरे धरती माँ का बच्चा कोई मेरे लिए रोए, मैं शहादत में हूं, मैं धरती माँ की गोद में सोया, ये मेरे लिए काफी है, मेरी शहादत पर हंसने वालों जाओदी तुम सबको माफी है, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे मेरे इस दर्द को, तुम समझ ना पाओगे बॉर्डर पर बैठे उस मर्द को, तुम समझ ना पाओगे मेरी इस बात को, तुम समझ ना पाओगे उस कातिलाना रात को, मेरे रक्त का कतरा कतरा मेरे देश के नाम है, मैं बॉर्डर पर खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं फौजी हूं और यही मेरा काम है। एंड मेरे फौजी भाइयों के नाम, मेरे देश के नाम, एंड थैंक यू दुष्यंत, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोमिल, गॉड ब्लेस। चाहेंगे एक बार फिर एक और अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, तो अवार्ड कितना हैवेट रखता है सुनील पॉल के जीवन में? मेरे ख्याल से हर कलाकार के लिए अवार्ड जो है वो बहुत अहमियत रखता है, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और लगता है कि यार अगले साल भी मुझे अवार्ड अगर मिलना है या लेना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक जिम्मेदारी आ गई है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, पहली बात तो दुष्यंत भैया का धन्यवाद, और इसे हमारे टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड वालों का धन्यवाद, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा अच्छा काम करता रहूँ ताकि लोगों तक मेरा सही काम पहुँचे और मुझे अवार्ड मिलते रहे। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसमें हमारे जो शहीद भाई हैं, हमारे जो फौजी हैं, वो आतंकवादी कहना चाहेंगे सुनील पॉल, आतंकवादियों के लिए कोई कॉमेडी है जिससे वो डर जाए? आतंकवादियों के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस ये कि मतलब ये समझ लीजिए कि शब्द तक नहीं है, क्योंकि इतना गद्दारी वाला मामला ही है, फेस टू फेस अगर करते तो गद्दारी करके इन्होंने किया है, हालांकि कुछ लोग तो इसमें पॉलिटिकल भी मामला मान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन का मामला है इसलिए ये सब हुआ है, ये ऐसे लोगों की अफवाह आ रही है कि नेताओं ने करवाया है, पाकिस्तान से भी इमरान खान जी का एक हुआ है मैसेज आया कि आप अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा जांच की जांच कीजिए, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लोग शक की नज़र से देख रहे हैं कि इतना बड़ा असला आया कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सिक्योरिटी होती है। सेम सवाल कसाब के साथ टाइम में भी था कि रोड से बोट से इतना आतंकवादी घुसे कैसे, सिक्योरिटी कहाँ जाती है, क्या होता है सिक्योरिटी का, और लोग कह रहे कि भाई वो उनको सारे जवानों को फ्लाइट से क्यों नहीं भेजा गया, तो ये सारे सवाल जो है वो अफवाहें फैला रहे हैं कि इसमें, लेकिन जो भी हुआ जिसका नुकसान हुआ है, जो हमारे फौजी भाई मारे गए, मैं समझता हूँ कि फौजी भाई उनके घर के नहीं थे, वो हमारे देश के थे, हमारे अपने घर के थे, मैं अपना पर्सनल फील कर रहा हूँ कि बहुत नुकसान हुआ है फौजी भाइयों का, तो मैं एक उनके लिए एक ही लाइन गाना चाहूँगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हमारे देश में देशभक्ति बहुत ज़ोरों से जागी हुई है, मैं चाहता हूँ कि जागी रहे, कभी सोए नहीं, अफसोस इस बात का है कि इस देशभक्ति को जगाने के लिए हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा, ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि किसी को शहीद होना पड़े, जान देना पड़े, देशभक्ति इतनी स्ट्रांग रखो कि कोई दुश्मन आप पर बुरी नजर ना डाले। हैप्पी कैरी ऑन। हैप्पी सामने बोले कोबरा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में, नाम में ही कोबरा है तो जहरी उगले ही है, अगर नाम कोई अच्छा होता, स्वीट नाम होता, लड्डू नाम होता, तुम मिठास डालते, लेकिन नाम ही कोबरा पोस्ट है तो कोबरा जहरीला पोस्ट किया उन लोगों ने, मेरे साथ आए थे बातचीत करने के लिए, मुझे कहने लगे कि भैया आपसे
आपको प्रचार के लिए हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो उसका क्या मेहनत आना होगा, कैसे हो, तो एक नॉर्मल कलाकार की तरह मैंने बात की, लेकिन उन्होंने गद्दारी के साथ में रिकॉर्ड कर लिया, वो भी एक तरह से हमारे लिए पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी, हमने गद्दारी कर दी। तो उनके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें भरोसा क्यों किया, क्योंकि तुम सुरीले लग रहे थे मुझे टी सीरीज की तरह, तुम सुरीले लग रहे थे मुझे टी सीरीज की तरह, मेरे साथ खेल गए क्रिकेट सीरीज की तरह। अब इतनी गालियां दूंगा तुम्हें कि तुम, इतनी गालियां दूंगा नजर नहीं आओगे, इतनी गालियां दूंगा तुम्हें वेब सीरीज की तरह नजर नहीं आओगे। सुनीपाल जी, जून में भारत पाकिस्तान का मैच है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मैच होना चाहिए? भारत और पाकिस्तान का तो वैसे कोई मैच है नहीं, जून में है मैच, मतलब कोई मैच मैच नहीं हो सकता, मिलन मैच ये सब नहीं हो सकता। और वहाँ की आवाम जनता जो है, यहाँ की आवाम और जनता जो है खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन ये पॉलिटिकल और ये जो सब चीज़ें होती है इससे मुझे बहुत नफरत है, और लोग सियासतदान जो सुधर जाए, और क्रिकेट तो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नफरत ही फैलती है इससे। भारत जीता तो भारत पाकिस्तान में और टीवी फोड़ देते हैं, और वहाँ का तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होना चाहिए। अब तुम्हें कैसे, इंडिया पाकिस्तान के साथ में कुछ भी ना हो तो वो अपनी जगह पे रहें, अपने हिसाब से अपने आप को खुश रखें, और हमारे साथ में हम अपने जगह पे खुश हैं, ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि बार बार बोल बोल के थक चुके हैं। डायलॉग कितना डायलॉग होगा भाई, कितना डायलॉग होगा, सिद्धू साहब बोलते डायलॉग करो, तो सिद्धू साहब डायलॉग बोल बोल के, जावेद अख्तर साहब जा रहे थे, जब उनको पता चला कि डायलॉग नहीं हो रहा तो वापस आ गए, डायलॉग राइटर को तकलीफ हुई, वो वापस आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग से काम नहीं होगा, और सिद्धू साहब को इतना ये सब चीज़ें जो है बोले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट कपिल शर्मा के शो से उनको हाथ धोना पड़ा। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं हूँ गायक संगीतकार राम शंकर, और आज मैं यहाँ पर ये इंडियाज आइकॉन अवार्ड टॉप 50 में आया हुआ हूँ स्कॉन ऑडिटोरियम में, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छी एक पहल है। दुष्यंत सिंह जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र हैं, वो हर साल इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, और जो अलग अलग विधाओं से, अलग अलग हर विभाग से, हर जगह से जो लोग हैं उनको सम्मान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, चाहे वो कहीं अलग अलग, चाहे वो हर फील्ड के लोगों को सम्मानित करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियाज टॉप 50 आइकॉन्स उनको सम्मानित किया जा रहा है आज इस्कॉन में, और मेरी हार्दिक शुभकामना है दुष्यंत सिंह जी के लिए कि आगे भी इसी तरह बढ़ते जाएं, और मैं हमेशा उनके साथ हूं। आज यहां पर मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आया हूं, और मेरे हाथों से कुछ अच्छे लोगों को अवार्ड दिया गया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दुष्यंत सिंह एंड हिज टीम। आइकॉनिक अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड हर किसी की जिंदगी में कितना अहमियत रखता है? देखिए, जैसे कि बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि टॉप 50 इंडियन आइकॉन्स में मेरा नाम आया, एंड सिर्फ ये आज ऐसी सिचुएशन है कि एक जगह मैं खुश हूँ और एक जगह थोड़ा कि ये सोचता हूँ कि हाँ, तो इस वजह से शायद आपने अंदर सुना होगा मैंने ये अवार्ड अपने फौजी भाई जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित किया, एंड थैंक यू सो मच मुझे टॉप 50 आइकॉन में चुनने के लिए। देखिए यार, लाइफ तो काफ़ी चेंज हो जाती है, आप आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, एंड बट विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस चीज़ को संभाले रखना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो वर्किंग ऑन इट, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको रोकने के बजाय इसको और आगे लेके चलूँ, तो यही मोटिव है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जी, डेफिनेटली टीवी पे जरूर देखने को मिलेगा। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, एंड बट डेफिनेटली जल्द ही मिलूंगा। जो अंदर रैप, एक्चुअली आई नीड अ म्यूजिक, बट मेरा टैलेंट है लाइक मैं कविता लिखता हूँ, मैं सिचुएशंस पे कविता लिखता हूँ, कि शायद कोई चल रहा होगा तो मैं देखता रहता हूँ और मैं उसी पे लिख देता हूँ कुछ भी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाकया हुआ था, उस वक्त मैंने लिखा था ये चार शब्द, चार बातें मेरे फौजी भाई के लिए। मैं भारत का हूँ फौजी, लाइक इसका टाइटल ये,
मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरी शान, मेरा देश बहुत प्यारा, मेरा देश बहुत न्यारा। मैं भारत का हूँ, फौजी में दिल से हूँ मनमोजी। मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम सब चैन से यूँ सो सको। मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम कोई अपना ना यूँ खो सको। मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि धरती मेरी माँ है। मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ चाहे देनी पड़े मुझे जान है। मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि ये मेरा मान है। हम फौजी मरते नहीं शहीद होते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग दिख रहे हैं, सो ये उन लोगों के लिए लाइक जो सोशल मीडिया पर फील कर रहे फाइन है, उन लोगों के लिए जो टेकिंग टकीला विद लाइम है, उन लोगों के लिए जो हैविंग अ सिप ऑफ वाइन है, और ये उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम इज़ नॉट माइन है बट ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। तो उस पर फौजी भाई कहते हैं कि आज आप चाहे मेरे गम में शामिल ना हुए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई भी बच्चा मेरे लिए रोए। मेरा धरती माँ की गोद में जाना मेरे लिए काफ़ी है। मेरी शहादत पे हंसने वालों जाओ दी तुम सबको माफ़ी है, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे मेरे इस दर्द को, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे बॉर्डर पर खड़े उस मर्द को, तुम समझ ना पाओगे मेरी इस बात को, तुम समझ ना पाओगे उस कातिलाना रात को। मेरे रक्त का कतरा कतरा मेरे देश के नाम है। मैं बॉर्डर पर ही खड़ा रहूँगा क्योंकि फौजी और फौज में काम करना मेरा काम है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद उन्हें शो से निकालने के लिए काफी बातें की जा रही है, आपको क्या लगता है उन्हें शो से निकाल देना चाहिए कपिल शर्मा शो? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं जो कुछ भी हुआ, जो भी वाक्य हुआ, उस मैं कड़े शब्दों में उस चीज़ की जो हमारे फौजी भाइयों के साथ घटना हुई, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ उस चीज़ की। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और दिल से मैं इन सबके साथ हूँ। और मैं सभी अपने देशवासियों से भी एक विनती करता हूँ कि यही एक मौका है, क्योंकि हमें इस मौके पर एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि शायद हम ना समझ पाए उस दर्द को, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पिता और किसी ने अपना भाई खोया है। तो प्लीज़ गाइस यही वक्त है, और प्लीज़ एकजुट होकर इस समय पर ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जी मैम मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, नो कमेंट्स। सर सरकार क्या, सरकार किसकी बननी चाहिए, क्या बीजेपी? जी सर देखो सर, कोई भी अच्छा काम कर दे, जो भी इंसान, जो भी सरकार बढ़िया काम करेगी सर उसी की बन जाएगी। सर मैं क्या कहूँ सर, देखिए अब इस बारे में सर जो भी है, सर जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है देश में, बस इस स्थिति के ऊपर काम करना चाहिए जो भी पार्टी है, जिसको भी कोई भी हो, पर इस स्थिति को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है शायद कोई भी देशवासी इस चीज़ को, इस स्थिति को हैंडल ना कर पाए, उस स्थिति को अब बहुत बुरी स्थिति है सर, इस चीज़ को इसके ऊपर वर्क करें, दैट्स इट, पार्टी कोई भी बने। आज मुझे यहाँ टॉप 50 आइकन अवार्ड में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जूरी का मेंबर भी था और पिछले साल ये अवार्ड ले भी चुका हूँ। और अवार्ड क्या होता है ये उसके विषय में दो लाइनें बोलना चाहूँगा। अवार्ड मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार के लिए, वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट से जुड़ा हो, चाहे वो पेंटिंग से जुड़ा हो, चाहे वो एक्टिंग से जुड़ा हो, चाहे वो सिंगिंग से जुड़ा हो, एक खुराक होता है ये अवार्ड, एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होता है, एक शक्ति होता है। जब किसी भी कलाकार को अवार्ड मिलता है तो उसमें एक नई ऊर्जा आती है, वो सोचता है या सोचती है कि वो और मेहनत से काम करे और बड़े से बड़ा अवार्ड प्राप्त करे। सो बड़ी खुशी होती है जब अवार्ड मिलता है, और परमात्मा की कृपा से ये खुशी मुझे बहुत बार मिली, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी खुशी भविष्य में भी मुझे मिलती रहेगी और बाकी कलाकारों को भी मिलती रहेगी। मेहनत करते रहें और अवार्ड प्राप्त करते रहें। बेसिकली वी हैव जूरी मेंबर्स, और हम लोग इतने समय से कर रहे हैं अपना अवार्ड्स ऑर्गेनाइज, देश विदेश हम लोग जाते हैं, हमारे पास रेफरेंस आते हैं पूरे, तो उसके बाद हम लोग अपने जूरी मेंबर्स को उनको भेज देते हैं, देन जूरी मेंबर्स सजेस्ट जो करते हैं उस पर हम लोग वर्कआउट करके फिर जिनको अवार्ड दिया जा रहा है उनसे पूछते हैं कि भाई आप आ सकेंगे, इफ़ यू आर रेडी टू टेक इट तो आपका स्वागत है। तो ये एक तरीका है हमारा इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने का, और बाकी हमें
हमें सोशल मीडिया पे उस पर लोगों के क्वेरीज आते हैं तो हम उसके थ्रू चयन करते हैं लोगों का। क्राइटेरिया देखिए, इसका जो टाइटल है दैट इज अ टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स। देश ऐसे 50 गौरवान्वित भारतीय जिन्होंने अपने सरकारों से और देश को गौरवान्वित किया है या गौरवान्वित कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक एक ऐसा मार्ग निश्चित कर सकते हैं जिससे कि जिस पे चल के लोग सफलता को प्राप्त कर सकें। तो दिस इज ओनली क्राइटेरिया। तो आज कहां कहां से लोग यहां पर मौजूद थे मुंबई के अलावा? मुंबई के अलावा सारे भारत से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग थे। जैसे हम अगर सिटी की बात ना करें, स्टेट की बात करें, वी हैव पीपल फ्रॉम पंजाब, वी हैव फ्रॉम जयपुर, लाइक ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा अफ्रीका से थे हमारे पास, एंड वी हैव अ फ्यू पीपल फ्रॉम दुबई, बट दे आर ऑल आर इंडियंस। तो हम अगर बात करें तो भारतीय थे सारे। मैं हमेशा कोई भी प्रोग्राम करता हूँ तो कभी ये सोच के नहीं करता कि सफलता असफलता मिलेगी मुझे। हम लोग सफल तभी हो जाते हैं जब हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं और वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा अपने इस टास्क में सफल रहता हूँ और उसके लिए डेफिनेटली आप सबका ही बहुत सहयोग मिलता है हम लोगों को, तो वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आनंद जी हमारे बीच मौजूद हैं, संगीत का एक बड़ा नाम है हमारे, तो बड़े भाई की तरह से हैं, हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। जब ऐसे लोग आते हैं हमारे फंक्शंस में तो हमारा उत्साह बहुत दुगना हो जाता है। दूसरी यहाँ पे देखा हमने राम शंकर जी थे, सुनील पाल जी थे, जसी जी मैम हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे, कैसे क्या मानी आने के लिए यहाँ पे, कैसे मनवाए आप कलाकारों में? मेरा सबसे प्रेम का रिश्ता है, अब आनंद जी में मेरा प्रेम का रिश्ता है सबसे। मैं केवल अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कभी इसको कमर्शियलाइज वे पे ले नहीं गए, इसको आप सब भी जानते हैं क्योंकि आपके लिए भी क्लिक पे अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं अनुरोध करता हूँ और मुझसे मना नहीं करते, बड़ा मैं इसके लिए बड़ा। इंडियन आइकॉन अवार्ड जो है वो दुष्यंत के प्रेम के कारण हम सब लोग के जीवन का हिस्सा हो चुका है। तो हम लोग सिर्फ पूछते किस दिन है और बस सब लोग आ गए। जसविंदर जी का, रामशंकर जी का, मैं हम सब लोग का बहुत प्रेम है दुष्यंत से। और सब जो लोग समाज की अलग विभिन्न धाराओं में अच्छे उल्लेखनीय काम कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड फंक्शन होता है, तो एक बहुत फील गुड फैक्टर है इस अवार्ड का। आई थिंक एक मैसेज भी सब लोग आ जाते हैं दुष्यंत का। लगा कि इस बार कुछ चेंज करें, कुछ नया करें, कुछ या अगले साल कुछ करेंगे या किसी को टिप्स कुछ कहा हो? मैं अगले साल एक्चुअली चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसको और लार्जर देन लाइफ कर दें और हम लोग ये गेटवे सबके लिए खोल दें। तो जैसे आज हमारे पास करीब 1200-1500 के आसपास लोगों के एंट्रीज आते हैं या लोगों के रेफरेंस आते हैं, मैं चाहता हूँ वो रेफरेंसेज में शून्य जुड़ते चले जाएँ। तो आई प्लान टू ओपन दैट काइंड ऑफ गेटवे एस्टैब्लिश, और डेफिनेटली आज के सोशल मीडिया में बहुत थोड़ा आसान हो गई चीज़ें, तो वो हम लोगों का ही प्लान है कि उसे करें हम लोग। थोड़ा सा और समय दें अवार्ड को। तो आनंद जी, आपने एक अवार्ड हमेशा लिया है, लेकिन जिस तरह से अगर आप स्टेज पर जाकर जब किसी को सम्मानित करते हैं अवार्ड से, तो वो कितना अलग फीलिंग होता है और अवार्ड लोगों की जिंदगी के में कितना मायने रखता है? देखिए, आपका जो समाज है वो जब किसी को अवार्ड देता है उससे पता चलता है कि सोसाइटी कितनी ज़्यादा सिविलाइज्ड है। मैंने अवार्ड लिया भी है, अवार्ड लेना सबको अच्छा लगता है, अवार्ड दिया भी है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को इज्जत दी जाए ताकि वो लोग अपना सफल अपना कार्य करते रहें और उनसे इंस्पायर होकर और भी लोग अपना लाइफ में अच्छा काम करें। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं आनंद जी के साथ जसी जी को बिठाना चाहूँगा, एक कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का। आप जसी जी को बुलाता हूँ। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी, नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का बहुत ही अच्छा रहा, अवार्ड सेरेमनी वॉज ग्रेट, एंड आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू दुष्यंत जी कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे आमंत्रित किया एंड ऑनर किया, पर उन्होंने इवन मेरा एल्बम रिलीज़ किया कि जो एक्चुअली आज से जी म्यूज़िक पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो टू जी म्यूज़िक एंड चेक आउट जो किया, आई होप यू लाइक इट। ये बहुत ही ख़ास अवार्ड था क्योंकि ना सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड से पर बहुत से अलग अलग फील्ड से लोगों को एक
ही जगह पे ऑनर किया गया. सो इट वॉज़ अ वेरी एस्टीम्ड एंड अ वेरी वेरीड ऑडियंस. तो ये बहुत अच्छा रहा. एंड दुष्यंत जी इज़ अ जेम ऑफ अ मैन. एज मेनी ऑफ यू नो ही डैबल्स इन सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स एंड इज सो सक्सेसफुल. तो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी जी की अंताक्षरी में बहुत साल पहले. सो ही इज़ वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड अ जेम ऑफ अ ह्यूमन बींग. गाना एक्चुअली गाना पंजाबी गाना है पर इन अ मोर सॉफ्टर स्टाइल. और इसका जो वीडियो शूट हुआ है वो सियाटल में शूट हुआ है और मेरे लिए ये ऑलमोस्ट लाइक फिर से शुरुआत है 15 साल बाद. सो इट्स एन एक्साइटिंग न्यू टाइम फॉर मी सिंस पूरा माहौल चेंज हुआ है, जेनरेशन चेंज हुआ है. तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ थिंग्स गो. यही वाले गाने जोगिया वे जोगिया वे रांझणा वे माहिया, जोगिया वे जोगिया वे रांझणा वे माहिया. तेरे इश्क च कमली होके मैं होके मैं होके तेरे इश्क च सब कुछ खोके मैं, तेरे इश्क च कमली होके मैं तेरे इश्क च सब कुछ खोके. रोग इश्क जोगिया वे जोगिया वे रांझणा वे माहिया, जोगिया वे रांझणा वे माहिया, जोगिया वे जोगिया वे रांझणा वे माहिया. थैंक यू. सबसे पहले मैं पुलवामा में जो हुआ उसकी मैं अत्यंत दुख है इसका और इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए. और दूसरी बात ये आज के कार्यक्रम में भी हमने हमारे सैनिकों को जो शहीद हुए हैं उनको याद किया है और उन्हें सम्मान दिया है. और ऐसा जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन जिन लोगों को दूर दूर से बुलाकर दुष्यंत प्रताप सिंह जी ने इकट्ठा किया है और उनको सम्मानित किया है, ये बड़े गर्व की बात है कि वो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं जो हर किसी के वर्ष की बात नहीं है. इतने लोगों को पूरे इंडिया से इकट्ठा करना और उनको इस तरह सम्मानित करना. और थैंक यू सो मच. विशेज मेरी विशेज है कि आगे भी कार्यक्रम यूँ ही चलता रहे अनंत काल तक. थैंक यू सो मच. मेरा नाम प्रेम नारायण शुक्ला है और मैं मुंबई से हूँ. और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ दुष्यंत सर को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को पूरे शहर से पूरे इंडिया से ढूंढ ढूंढ के लेके आते जो भी अच्छा काम करते हैं तो उस काम को वो सराहना करते हैं और उस काम से लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी काम करें. और मैं बताना चाहता हूँ कि किस लिए हमको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया. ये हमारे गुरु जी रमणाचार्य जी, हम लोग कैंसर पीड़ित लोगों के लिए काम करते हैं. हमारे एक फाउंडेशन है कैनन फाउंडेशन जो तेलंगाना में है और हम ऐसे जगह पे जाते हैं ट्रिब्यूनल एरिया में जहाँ पे कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट में नहीं पहुँच सकती है. अगर वहाँ पे अगर किसी को मलेरिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए तो वो इंसान जनरली मर जाएगा. वैसी जगह पे हम जाके उनको उनकी लाइफ सेव करते हैं और इसी तरीके अच्छे काम करने की हम कोशिश करते हैं. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दुष्यंत सर को और रमना जी को, ये पूरे फाउंडेशन के मेन फाउंडर मेंबर रमना चार्य हैं और मैं फोर मेंबर. थैंक यू. घर की नहीं, नहीं चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की हो, दुष्यंत जी तो ऑल इन वन है. और वाकई जैसा सब लोग बोल रहे थे उनका जो प्रयास है, उनकी जो मेहनत है और कर्मठता है वो वाकई तारीफ के योग्य है. ऐसा सिर्फ वाइफ होने के नाते नहीं, वैसे भी मैं देखती हूँ कि नहीं बहुत मेहनत से करते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर कई घर की भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं. तो कितना सहयोग आप करती हो? अब वो तो आप दुष्यंत जी से पूछ सकते हैं ना. जितना मुझसे हो सकता है उतना करती हूँ. कभी ये हुआ कि ये वोड़ी नहीं था इसको देना चाहिए था? कभी सी बहस हुई, कभी बातें हुई ऐसी? नहीं नहीं, वो हम दोनों का एक मत ही रहता है, वो सामूहिक फैसला होता है. और भी जूरी मेंबर्स हैं तो सभी का रहता है. मैं प्रयाग से हूँ, मीलिका मिश्रा. और मुझे बहुत, मैं तो वैसे ही दुष्यंत जी को मैं सुपरमैन बोलती हूँ हमेशा.
क्योंकि उन्हें उनकी एनर्जी की बात सभी ने की और वो जिस तरह से काम करते हैं आप सबको पता ही है. और मुझे बहुत, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ म्यूज़िक का भी बहुत सारा काम कर रही हूँ. कंपोज़र भी हैं बहुत अच्छे, सिंगर भी हैं और ह्यूमन बीइंग तो वो बहुत अच्छे हैं ही. लगन इस बार की, इस बार टॉप 50 कौन होंगे, क्या होगा, कौन से होंगे, कभी सोचा, कभी घर पे भी बातें हुई है, कैसी टॉप 50 कौन है इस बार कौन होंगे? अच्छा, मतलब अवार्ड के बारे में, जो भारत के 50 लोगों को अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ. टॉप 50 कभी बात हुई है? हाँ, नहीं, अक्सर जब तक ये अवार्ड नहीं हो जाता है, पिछले 3 महीने से यही बातें होती है हमारी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती है कि किसको देना है, कैसे देना है और कैसे करना है, यही बात होती रहती है. अच्छा मैम, जब आप बताने जा रहे हो क्या है ये प्रोग्राम, किस तरह प्रोग्राम, कहाँ है और कब क्या होना है, बताएंगे? सुनो पार्थ, मोस्टली श्री कृष्ण की कही हुई बातों के ऊपर है. जिस तरह भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को हर एक प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताया था, वैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तीनों अपने अलग अलग क्षेत्र में महारथी हैं, वो लोगों को बताएंगे कि उनके प्रॉब्लम्स आप भागवत गीता में बताए हुए माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं. मैं एक्चुअली मन की स्थिति पे ज़्यादा काम करता हूँ कि जो भी है हमारा इशू है, मेनली जो हमारे मेन तो दिमाग पे है, तो उसे कैसे दिमाग से हटाना चाहिए, कैसे अच्छे विचारों से हम ठीक कर सकते हैं, तो मैं उस पे लोगों को ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ. देखिए, जैसे श्री कृष्ण जो थे वो 16 कलाधारी थे, कहते हैं उनको 16 कलाओं में महारत हासिल थी, तो उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है मेरे हिसाब से. तो हमारी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं दैनिक जीवन में, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से उसमें से जो भी हम संचित कर सकें, जो सार ग्रहण कर सकें और उसी को हम लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनकी समस्याओं का बड़ी आसानी से इलाज हो सके. कैसे पब्लिक आप पे पहुँचेगी, क्या कैसे संपर्क करेगी, या कैसे ऑडियंस थिएटर वहाँ पे आपके स्टूडियो में आएगी, क्या होगा? नहीं नहीं ये टेलीविजन शो है, तो टेलीविजन के माध्यम से हम जाना चाहेंगे. और हम ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू उनके जो भी प्रश्न हैं वो हम तीनों आपस में उनका उनको समाधान देंगे.